कपूर परिवार के बीच की बॉन्डिंग हमने हमेशा देखी है। सेलिब्रेशंस का मौका, शादी हो या कोई त्योहार, परिवार एकजुट नजर आता है। लेकिन ये भी सच है, एक साथ हर त्योहार मनाने वाला ये परिवार बटकर हमेशा रहता है। सालों पहले ही बात कर लेते हैं जब ऋषि इस दुनिया में थे। ऋषि और नितो साथ रहते थे, लेकिन बेटे रहते थे माँ बाप से अलग। बात कर लेते हैं राजीव कपूर की, पत्नी से रहते थे वो अलग। रणधीर बबीता की बात कौन नहीं जानता, सालों ये दोनों एक दूसरे से रहे थे जुदा। और इसी तरह से हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कैसे रणधीर के जीते जी, अब ऋषि और राजीव के निधन के बाद रणधीर के जीते जी कपूर परिवार की पूरी संपत्ति के भी टुकड़े टुकड़े होते हुए नजर आए हैं। हमारी इस रिपोर्ट में आप सबको बताना चाहेंगे कि रणधीर कपूर के जिंदा रहते ही कैसे टुकड़ों में बटा है पूरा घर और जायदाद कपूर परिवार का। सबसे पहले तो आपको बता दें चेंबूर के बारे में। कपूर परिवार का ऐतिहासिक बंगला चेंबूर, जहां पर राज कपूर से लेकर ऋषि, राजीव और रणधीर साथ पले बड़े हैं, और उस घर को हमेशा से ही सीने से लगा कर रखना चाहते थे। उस घर से जुड़ी यादों को कपूर परिवार के हर सदस्य। लेकिन ये भी सच है कि राजीव के चले जाने के बाद रणधीर ने फौरन चेंबूर से अलग होने का लिया फैसला। कारण ये था कि राजीव और रणधीर उस घर में ऋषि के चले जाने के बाद रह रहे थे। लेकिन राजीव जब गुजर बसे तब रणधीर को एहसास हुआ कि इस घर में सिर्फ यादों के साथ वो तड़प कर रह जाएंगे। अब उन्हें परिवार की जरूरत है, इसलिए उन्होंने बबीता के साथ जाने का फैसला लिया। और इसी के बाद ठीक खबर आई कि रीमा जैन, रणधीर की जो अब बहन बची हैं, ऋतु नंदा के चले जाने के बाद रीमा ही बची है रणधीर की इकलौती बहन। उन्होंने भी रणधीर के साथ लिया फैसला कि जो संपत्ति है, जो कपूर परिवार की कमाई दौलत है, जिसमें तीनों भाई बहनों का हक है, उन भाई बहनों के बीच जो बचे हैं वो संपत्ति का बंटवारा कर ले। कानूनन लड़ाई भी कोर्ट में इसकी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।